नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र में नवरत्न अंगूठी को खास महत्व दिया गया है। माना जाता है कि इस अंगूठी को धारण करने से जीवन में नकारात्मकता नहीं आती है, साथ ही इसे धारण करने वालों को स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसके अलावा यह सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। यही कारण है कि नवरत्न अंगूठी को बड़े बड़े राजनेता और अभिनेता भी धारण करते हैं। जानते हैं कि नवरत्न अंगूठी को धारण करने की सही विधि क्या है। नवरत्न अंगूठी सभी नौ ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंगूठी में लगे सभी नौ रत्न नव ग्रहों के बुरे प्रभावों को एक साथ कम करते हैं, जिससे शरीर की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। नवरत्न की अंगूठी पर सारे रत्न ग्रहों के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। हालांकि कुंडली में ग्रहों की दशा के आधार पर शुभ रत्नों का चयन किया जाता है। नवरत्न अंगूठी में लगे रत्न अलग अलग ग्रहों पर निर्भर करते हैं। इस अंगूठी में लगा रूबी सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। माती से चंद्रमा को दर्शाता है। मंगल के शुभ प्रभाव के लिए मूंगा लगा होता है। बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा और शनि के लिए नीलम होता है। राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए कैट्स आई रत्न लगे होते हैं। रत्न शास्त्र के मुताबिक नवरत्न अंगूठी को किस शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करना अच्छा होता है। रत्न शास्त्र के जानकारों के मुताबिक नवरत्न अंगूठी को किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करना अच्छा होता है। इस अंगूठी को सूर्योदय से एक घंटे के भीतर धारण करना चाहिए। चाहे तो रविवार के दिन भी नवरत्न अंगूठी धारण कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।